मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र के NH91 जीटी रोड स्थित ग्राम खेरिया के समीप 5 जुलाई 2019 को गाजियाबाद से बाइक पर सवार होकर आ रहे एक दलित दंपत्ति को बदमाशों ने मारपीट करते हुए उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया था और जनपद एटा क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। जब इस घटना की रिपोर्ट पीड़ित ने थाना बिछुआ में वहां पर तैनात थाना अध्यक्ष राजेश पाल से की तो उसने पीड़ित के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद घटनास्थल का जायजा लिया तो उल्टा थाना अध्यक्ष उसके साथ ही मारपीट करते हुए कहने लगा कि तूने अपनी पत्नी को मार दिया और यहाँ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। इस बात को लेकर थाना अध्यक्ष ने युवक के साथ जमकर मारपीट की और थाना कुरवाली में ले जाकर हवालत में बंद कर दिया। इस संबंध में पीड़ित द्वारा दोषी थाना अध्यक्ष व अन्य 3 लोगों के विरुद्ध थाना कुरवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन ने अपराधों में संलिप्त दरोगा का क्लीन चिट दे दी है, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के विधायकों एवं बसपा के जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं ने पीड़ित के साथ मिलकर जिलाधिकारी को शिकायत करते हुए अपराध में संलिप्त दरोगा को तत्काल निलंबित कर गिरफ्तारी की मांग की है। यहाँ एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाने की बात करती है तो वहीं किस तरह से आखिर दरोगा को क्लीन चिट दे दी गई, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा पनप रहा है। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के विधायक बृजेश कठेरिया सहित अन्य ने पीड़ित के साथ जिलाधिकारी कार्यालय आकर शिकायत पत्र सौंपते हुए दरोगा राजेश पाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित एवं उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। विधायक जी, यहाँ आज जिलाधिकारी के यहाँ आप जो है सपा और बसपा ने जो है शिकायत दी है, किस मामले को लेकर यहाँ पर शिकायत दी है? ये 5 जुलाई को जो बिछवा थाना अंतर्गत जो कांड हुआ था, जिसमें पीड़ित महिला भी मेरे पास खड़ी हैं, इनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और वहाँ के निवर्तमान SO राजेश पाल सिंह, जिन्होंने उसके पति को बुरी तरह पीटा था, काश अगर उसे पीटना की बजाय अगर उस महिला को खोजने की कोशिश कर लिए होते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन उस समय जनता के आक्रोश को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में इसमें पूरी तरह लीपापोती कर दी गई। धारा 307 हटा दी, ये देखिए FIR की कॉपी मेरे पास है जी, जिसमें 307 की धारा है, लेकिन उस धारा 307 को भी हटा दिया गया, आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और यही नहीं, पूरी तरह उन्हें संरक्षण देते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें बहाल कर दिया और यहीं पे ड्यूटी भी दे रहे हैं, और वो अपने आदमी भेज भेज करके इस पीड़ित पक्ष पे कंप्रोमाइज का भी निरंतर दबाव बना रहे हैं जी। तो आज DM साहब से मिल करके और उनसे न्याय की उम्मीद के साथ। ये जो DM साहब को आपने प्रार्थना पत्र दिया है वो किसके नाम दिया है? नहीं, DM साहब के लिए दिया है और कप्तान साहब वाला मेरे पास रखा है। कप्तान साहब जब आएंगे तो मैं कप्तान साहब को भी अनुरोध करूंगा, निश्चित रूप से मैं पीड़ित पक्ष को लेकर के DGP साहब से भी मिलूंगा, प्रमुख सचिव गृह से भी मिलूंगा और इसके बाद भी अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो, चूंकि मामला दलित का है, इसके साथ एक किसी बहू और बेटी का है, तो निश्चित रूप से पीड़ित पक्ष के साथ हम जनपद में धरना प्रदर्शन बड़ा आंदोलन करें। क्या लगता है कि जो ना बहू बेटियों के साथ रेप जैसी घटनाएं आए दिन गिनती रहती है, क्या सरकार के किस तरह से अफसोस इस बात का है कि इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी पूरी सरकार और पूरा प्रशासन किस ना साहसी लोग हैं, किसने साहसी अधिकारी हैं कि ऐसे हत्यारोपियों पे अत्याचार करने वाले लोगों को खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं। इनकी मैं किन शब्दों में इनकी तारीफ करूं, ऐसे अधिकारियों की और ऐसी सरकार की जो खुलेआम घूम रहे हैं अत्याचार और अनाचार करके। कम से कम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, जैसे कि और सच्चर देने वाले अधिकारियों पर भी मुकदमा लिखना चाहिए। पाल को जो है ना जिस तरह से क्लीन चिट दे दी गई है तो क्या इस तरह से नहीं देनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी, और देने का मतलब ये है किसी गलत आदमी को संरक्षण देना, जिससे और लोगों के हौसले बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए DM साहब से हम लोगों ने मिलकर के अनुरोध किया है कि न्याय मिले, कप्तान साहब से मिले, ऊपर अधिकारियों से भी मिले। क्या चाहते हो कि राजेश पाल को यहाँ पे ड्यूटी नहीं देनी चाहिए? बात मेरी ड्यूटी देने या देने की नहीं है जी, ड्यूटी देना न देना ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि जो किसी मुलजिम है, जो संगीन धाराओं में जिसका नाम दर्ज है,
आम आदमी के ऊपर जिस तरह कानूनी कार्रवाई होती है, ठीक इसी तरह कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो। तो जिस तरह आम आदमी के ऊपर कार्रवाई होती है, ठीक इसी तरह इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। राजू जी, आज जो है ना, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, चारों आरोपी भीतर गए हैं, लेकिन जो है आपको मतलब जो है मारपीट करने वाला जो दरोगा था, आज सस्पेंड होने के बाद फिर बहाल हो गया, क्या जिलाधिकारी ने आपको शिकायत की है, क्या पूरा मामला है बताओ? पूरा मामला ये है कि तुम्हारी सुनाई होगी और होगी कि जी, इसमें कोई तुम टेंशन मत लो, ये बहाल कर दिया गया है, आगे बढ़ के देखेंगे हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये आश्वासन दिया है डीएम साहब ने? आश्वासन दिया है मुझे, तो अब आगे के लिए बताया नहीं जी। अच्छा, ये बताइए जो ना अभी रेप का आपका मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? मुकदमा दोनों रात बहाल है, दोनों बहाल है, लेकिन ये इसको फिर भी बहाल कर दिया। अच्छा, आपको जो है ना घर जाकर धमकियां दी जाती हैं? कौन जाती है, यही भेजते हैं, राजीनामा कर लो, नहीं करोगे इन धारा लगा दी है। कौन भेजता है आपको, आपके पास? राज्यपाल दरोगा जी, वही राजेश, राजेश कुमार। तो वो कह रहा है कि राजीनामा अपने हाथ ही भेजता है। किस तरह का राजीनामा का प्रॉब्लम देता है बताइए? ये कहता है, कह रहे चलो राजीनामा कर लो, और जो कुछ जो तुम्हें मिलना ना, 4-5 लाख रुपये हम दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, राजीनामा कर लो, और नहीं तो तुम्हें कुछ मिलना नहीं है, आगे परेशानियाँ तुम्हें उठाओगे। तो आपने ठीक है उठाने, तो हमें जो करना हम अपना करते रहेंगे। तो आपने ये किस थाने में तहरीर दर्ज कराई थी? इंद्रावली में भेजी थी। ठीक है, हाँ जी। आज जिलाधिकारी के पास आई हो, क्या शिकायत लेकर आई हो, क्या हुआ था आपके साथ? हम उधर से आ रहे थे बुलंदशहर के सिकंदराबाद से जी, तो रास्ता में बारिश हो रही थी बहुत तेजी थी, तो पाछे से गाड़ी आ रही थी, साढ़े दस बजे हमें दोनों जने के आंखें में बुढ़ा दिए थे, इस पर अंधा कर दिया था, मेरे पति को मारा था बहुत तेजी से, पुलिस वाले यूज करके मुझे उठा ले गए थे, मुझे गाड़ी में डाल के उठा ले गए थे, पता नहीं कहाँ ले गए मुझे, अंधो कर दो बेहोश करके, उधर कहीं खंडी में फेंक दिया था, जब मुझे होश आओ जब मैं आ पाए थे। नहीं, इस बीच में आपके साथ लूटपाट भी की गई और क्या क्या घटना? लूटपाट करी थी और बलात्कार किया था। कितने लोगों ने बलात्कार किया था? 3 लोगों ने। फिर आप कैसे आई? मुझे डाल दिया था, बारिश हो रही थी, कहीं खंडे में फेंक दिया था। अच्छा, फिर आप कितने बजे वहाँ से वापस लौट के आई, कहाँ फिर पहुँची? 3:30 बजे जब मुझे होश आओ, जब 4 बजे आ पाए थाने में, कुराली थाने में। तो क्या देखा आपने, पति आपके क्या वहाँ मौजूद थे? जब आ गए थे हाँ। तो इनके साथ क्या मारपीट हो रही थी? और का बहुत मारपीट। कौन कर रहा था? जो ना जिलाधिकारी का जो नाम गिराव दिया है, ज्ञापन दिया, किसको ज्ञापन दिया है और किस मामले को लेकर दिया है? ज्ञापन नहीं दिया, शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है जी, और ये हमने मांग की है कि जब जिला प्रशासन ने उन्हें निलंबित किया था, गुड़की हुई है, तो आखिर किन परिस्थितियों में धारा हटा दी गई और किसके दबाव में बहाल कर दिया गया? अभी तक पीड़िता को न्याय तो मिला नहीं, और संबंधित पक्ष बहाल होकर नौकरी कर रहा है मैनपुरी में जी, ऊपर से दबाव बना रहा है समझौते के लिए। किसके साथ कौन सी घटना घटी थी और मतलब और कौन निलंबित हुआ? 5 जुलाई घटना घटी थी, एटा उठा के ले गए थे, एटा जिले में गंगरेप हुआ था, एक FIR बछवा में पंजीकृत हुई थी, एक पुरानी पंजीकृत हुई थी, चारों मुलजिम जेल में है जी, और बेचारी महिला का 2.5 महीने का बच्चा बर्बाद हो गया था, बहुत जघन्य घटना थी। उस समय तो ये लगा प्रशासन ने ठीक कार्रवाई की है, लेकिन धीमे से दबा दिया मामला। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।